आज हर किसी की नजर जम्मू कश्मीर पर है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर की किस्मत का एक बड़ा फैसला होने वाला है। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार ने आज अहम बैठक बुलाई है, जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर पर दिल्ली में अहम बैठक। जम्मू कश्मीर पर दिल्ली में पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में कौन कौन होगा शामिल? आपको बता दें कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री और 4 पूर्व डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह सचिव ने 8 दलों के 14 नेताओं को न्योता भेजा है। गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती बैठक में पहुंचेंगे। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, रविंद्र रैना बैठक में शामिल होंगे। हालांकि बैठक में क्या होगा ये अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन डीडीसी चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है, और चुनाव से पहले सीटों की डिलिमिटेशन जरूरी है, यानी विधानसभा सीटों की बाउंड्री तय करना बहुत जरूरी है। दरअसल आर्टिकल 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर में बहुत गुल खिलाए गए थे। जम्मू के 10 जिलों में सिर्फ 37 सीटें रखी गई थी, जबकि कश्मीर में 10 जिलों के भी 46 सीटें रखी गई थी, और कानून भी बना दिया गया था कि अब डिलिमिटेशन नहीं होगा 2026 तक। वो तो 370 की बेड़ी कटी, वरना जम्मू के क्षेत्र के लोगों के कंधे पर बैठकर कश्मीर के अलगावादी मलाई काटते रहते। आपको बता दें कि इस डिलिमिटेशन के नाम से भी महबूबा और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता क्यों डर रहे हैं, क्योंकि बैठक में आज डिलिमिटेशन चर्चा का बड़ा मुद्दा हो सकता है। 370 को कवच बनाकर कश्मीरी नेताओं ने 7 दशकों में जो खेल खेला है, उसी का गुस्सा अब जम्मू में दिखता है, और जम्मू के साथ हुई इस नाइंसाफी को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून पारित किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने से पहले विधानसभा सीटों का परिसीमन करा रही है। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर परिसीमन है क्या। क्या है परिसीमन? चुनावी व्यवस्था में विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं तय करने को परिसीमन कहा जाता है, जिसका मुख्य आधार जनसंख्या घनत्व होता है। संविधान के आर्टिकल 82 के तहत भारत सरकार परिसीमन आयोग बनाती है, जिसके फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2020 बनाने के बाद भारत सरकार ने मार्च 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया, जिसमें जस्टिस रिटायर रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी। इस कमेटी में केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के 1-1 सदस्यों के अलावा जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी, अकबर लोन, जितेंद्र सिंह और जुगल किशोरी शर्मा सदस्य थे। इस आयोग को मार्च 2021 तक परिसीमन रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन कोविड काल की वजह से समय सीमा 1 साल तक बढ़ाई जा चुकी है। इस आयोग का काम है जम्मू कश्मीर में आबादी के हिस्से से विधानसभा सीटों का क्षेत्र निर्धारण करना। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन के बाद ही चुनाव हो पाएंगे। वैसे मोदी सरकार साफ कर चुकी है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 की जाएगी। जम्मू वालों को उम्मीद है कि अब शायद उनके साथ न्याय होगा, लेकिन आज होने वाली बैठक में क्या होगा ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।